मैथमेटिकल इंडक्शन में हम देखेंगे हमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का हमारा अप्रोच क्या होगा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इसको मैं टाइप वन क्वेश्चन बोल सकता हूं। ठीक है, अब इस टाइप में भी हम बहुत सारे एग्जांपल्स देख लेंगे ताकि आपको ये टाइप वन अच्छे से सॉल्व करना आ जाए। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 × 2 × 3 + 2 × 3 × 4 + 3 × 4 × 5 + and so on until n n plus 1 n plus 2 is equal to। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है n n plus 1 n plus 2 n plus 3 upon 4, राइट। ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, 1 × 2 × 3 + 2 × 3 × 4 + 3 × 4 × 5 and so on until n into n plus 1 into n plus 2 is equal to n n plus 1 n plus 2 n plus 3 upon 4 for all n belongs to n। यानी ये n क्या है यहाँ पे, natural number। अब देखिए this is type 1 question, PMI, PMI is a 3-step process, principle of mathematical induction। हमारा step 1 होता है P1, हम P1 चेक करेंगे whether it's true or not। step 2 हमारा होता है assumption। ठीक है ना, step 2 है हमारा assumption कि हम assume करेंगे that the statement is true for some k। ठीक है, it is true for some number k। step 3 हम prove करेंगे pk plus 1 is true। ये 3-step process है principle of mathematical induction। अब देखिए इस type 1 question को हम कैसे करेंगे। now हमारा step 1 है ना, मैं सबसे पहले लिखूंगा pn, मैं define कर देता हूं, pn is this statement, that is 1 × 2 × 3 2 × 3 × 4 3 × 4 × 5 until this is this, है ना। सबसे पहले हमने लिख लिया pn। अब solution में p, solution हम यहां से लिख लेते हैं, सबसे पहले तो हमने क्या किया, pn को ये define कर दिया। now p1 है ना, मुझे p1 चेक करना है, तो p1 हम कैसे चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हम यहां पे चेक करेंगे। ठीक है, यहां पे दो चीजें हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो हम लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में मुझे सिर्फ एक टर्म ही लेना होता है, एक टर्म का मतलब है जिसको किसी प्लस या माइनस से, है ना, प्लस साइन आ गया इसके पहले जो भी है वो सारा एक टर्म आ गया इसका, है ना। जैसे यहां पे, या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं, या तो जो सबसे पहले जो मिलता है वो, या फिर जो इसका जनरल टर्म है उसमें सिर्फ वन डाल दीजिए, वो p1 है। ठीक है ना, तो हमने यहां पे क्या किया, जो सबसे पहला टर्म है प्लस के जस्ट पहले, अगर माइनस होता माइनस के जस्ट पहले, वो मेरा फर्स्ट टर्म है, तो मैंने यहां पे लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड इज 1 × 2 × 3 एंड दैट इज 6। राइट हैंड साइड हम चेक करते हैं, राइट हैंड साइड में मेरे पास ये फॉर्मूला है n n plus 1 n plus 2 n plus 3 upon 4। अब मुझे करना क्या है, यहां पे n is equal to 1 पुट करना है, बिकॉज हम p1 चेक कर रहे हैं, मैंने n को किससे रिप्लेस किया, 1 से। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां पे 1 से रिप्लेस कर दीजिए, है ना, तो 1 1 + 1 2 1 + 2 3, है ना। या तो मैं इसको 1 से रिप्लेस कर दूं, या तो मैं इसका फर्स्ट टर्म ले लूं, बात एक ही है, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड में मुझे क्या करना है, ये जो मुझे एक फॉर्मूला मिला हुआ है, ये जो एक्सप्रेशन मुझे मिला हुआ है, यहां पे मैं एन की जगह 1 डालूंगा, दिस बिकम्स 1 1 + 1 1 + 2 एंड 1 + 3 अपॉन 4।
जो कि हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इज 2 इंटू 2 प्लस 1 इज 3 इंटू 3 प्लस 1 इज 4 अपॉन 4, दिस गेट्स कैंसल, ये हमें वापस 6 मिलेगा। तो यहां पे P1 में मुझे लेफ्ट हैंड साइड एग्जैक्टली इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल रहा है। देयरफॉर P1 इज ट्रू। ठीक है, ये हमारा स्टेप वन हो गया, स्टेप वन इज डन। ठीक है ना, स्टेप वन हो गया। अब स्टेप टू, स्टेप टू क्या है? अजम्पशन। स्टेप टू है हमारा अजम्पशन। तो हम अब यहां पे क्या करेंगे? अजम्पशन करेंगे, हम यहां पे अज्यूम करेंगे। तो हमने स्टेप टू में लिखा लेट अस सपोज, लेट अस सपोज पी एन बी ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के, है ना। लेट अस सपोज पी एन बी ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के, या फिर लेट अस सपोज पी के बी ट्रू, अगर इतना भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट अस सपोज पी के ए बी ट्रू, दैट इज वन। ठीक है ना, ये पूरा लिखेंगे हम, वन टू थ्री, टू थ्री फोर, अप टिल, मैं ये थ्री फोर फाइव को स्किप कर देता हूं, नॉट रिक्वायर्ड। एन को मुझे रिप्लेस करना है के से, है ना, मैंने पी एन की जगह लिख दिया पी के, तो एन को हम रिप्लेस कर देंगे के से। ये लिख दिया, दिस शुड बी इक्वल टू, मुझे वापस राइट हैंड साइड में भी एन की जगह क्या करना है, के के प्लस वन, के प्लस टू, के प्लस थ्री अपॉन फोर, ये हमने अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो वन इंटू टू इंटू थ्री, टू इंटू थ्री इंटू फोर अप टिल के इंटू के प्लस वन के प्लस टू इज वॉट, के के प्लस वन के प्लस टू के प्लस थ्री अपॉन फोर, ये हमने अज्यूम किया। अब मुझे इसको ध्यान रखना है। अब मुझे स्टेप टू तो मेरा हो गया, स्टेप थ्री क्या है? प्रूव पी के प्लस वन। ठीक है, प्रूव पी के प्लस वन। अब देखिए, मैं यहां पे पी के वाला स्टेटमेंट लिख देता हूं, पी के इज के के प्लस वन के प्लस टू, दिस बिकम्स के हो गया, ये पी के वाला स्टेटमेंट जो हमने ऊपर लिख दिया। अब मैं यहां पे पी के प्लस वन, नेक्स्ट स्टेप इज पी के प्लस वन। अब ये जो टाइप वन क्वेश्चन है, हम यहां पे क्या करेंगे? टाइप वन क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे लाइक वन इंटू टू इंटू थ्री, वन इंटू टू, या फिर वन प्लस टू, इस टाइप के मिलेंगे। ठीक है ना, अब पी के प्लस वन जो है मुझे सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेना है, ये लेफ्ट हैंड साइड लिखने की भी जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे लिखोगे वन इंटू टू इंटू थ्री प्लस टू इंटू थ्री इंटू फोर प्लस थ्री इंटू फोर इंटू फाइव, हम स्किप कर देते हैं, बहुत लंबा हो जाता है, डॉट डॉट डॉट। मैं इसको लिखूंगा सबसे पहले के के प्लस वन के प्लस टू। ठीक है, ये हमने कहां तक लिखा? के तक, ये है के, लेकिन मुझे करना कहां तक था? के प्लस वन तक। तो मैं क्या करूंगा? प्लस, ठीक है ना, आगे जगह नहीं है, या फिर मैं इसको रब करके पीछे, है ना, आगे मेरे पास जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूं। ठीक है, एक लाइन में लिखना था, जगह नहीं है। तो देखिए मुझे करना क्या है, ये जो k है, इस k को मैंने रिप्लेस किया k प्लस वन से। पीएमआई में मुझे ध्यान रखना है कि k प्लस वन भले मैं लिख रहा हूं, लेकिन k वाला जो
टर्म है वो भी मुझे साथ में लिखना है, ये टाइप वन क्वेश्चन में। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, k की जगह लिखूंगा k प्लस वन, k प्लस वन की जगह लिखूंगा k प्लस वन प्लस वन, ठीक है ना। ये जितने भी k's हैं ये k प्लस वन से रिप्लेस हो जाएंगे, बात समझ में आई। ये हो जाएगा k प्लस वन प्लस टू, विच इज नथिंग बट k प्लस वन, k प्लस टू एंड k प्लस थ्री। ये बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए वन टू थ्री, टू थ्री फोर अप टिल k, k प्लस वन, k प्लस टू, k, k प्लस वन, k प्लस टू तक तो हमने अज्यूम किया हुआ है कि ये फॉर्मूला ट्रू है, राइट हमने अज्यूम किया हुआ है। तो टाइप वन क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, वन से लेके k तक तो हमने अज्यूम किया हुआ है, तो इस वन से लेके k तक का जो सम है इस पूरे को हटा के नेक्स्ट स्टेप में हम उसका फॉर्मूला लिख देंगे, जो कि है k, k प्लस वन, k प्लस टू, k प्लस थ्री अपॉन फोर। इतना समझ में है, देखिए यहां पे हमने क्या अज्यूम किया हुआ है, वन टू थ्री, टू थ्री फोर अप टिल k, k प्लस वन, k प्लस टू, ये जो सम है ये किसके इक्वल होना चाहिए, k, k प्लस वन, k प्लस टू, k प्लस थ्री अपॉन फोर। तो हमने इस स्टेप में क्या किया, वन टू थ्री, टू थ्री फोर अप टिल k, k प्लस वन, k प्लस टू को इस फॉर्मूले से हटा दिया, ठीक है ना। इतना लंबा लिखने के बजाय ये लिख दिया। अब ये तो पूरा हट गया इस फॉर्मूले से, आगे है मेरे पास प्लस और ये चीज, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, यहां तक हो गया। अब इसके बाद मुझे इसको सॉल्व करना होता है। अब देखिए सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, आप यहां ब्रैकेट वगैरह ओपन है ना, ये थोड़ा सा यहां पे हमें समझदारी चाहिए। लाइक सिंप्लीफाई मतलब कई बार क्या करते हैं सबको लोग मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, वो नहीं करना है, मुझे पहले देखना है क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, k प्लस वन कॉमन आ रहा है ना, इसको हम अपॉन वन लिख सकते हैं। तो k प्लस वन कॉमन आ रहा है, k प्लस टू कॉमन आ रहा है, k प्लस थ्री कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है हम उसको लिख लेते हैं। मैं k प्लस वन कॉमन ले चुका हूं, k प्लस टू कॉमन ले चुका हूं, k प्लस थ्री कॉमन ले चुका हूं, मेरे पास k बच रहा है अपॉन फोर बच रहा है, तो मैं उसको अलग ब्रैकेट में लिख लेता हूं, k अपॉन फोर बच गया। मैंने k प्लस वन कॉमन ले लिया, k प्लस टू कॉमन ले लिया, k प्लस थ्री कॉमन ले लिया, कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचता है तो हम प्लस वन लिखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा k प्लस वन, k प्लस टू, k प्लस थ्री, फोर इंटू वन इज फोर, तो ये हो जाएगा k प्लस फोर अपॉन फोर। अब देखिए ये सारे टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस फोर को मैं इसके नीचे रखूं या इस पूरे के नीचे रखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 इंटू थ्री अपॉन फोर लिखो या 2 इंटू थ्री होल अपॉन फोर लिखो, बात एक ही है, रिजल्ट हमें सेम मिलना है। तो यहां पे भी हमने वही काम किया। अब देखिए स्टेप थ्री तो हमने किया, जो पी के था वो ये था। अब मुझे यहां पे देखना है कि अगर मैं इस k को k प्लस वन से रिप्लेस करता तो मुझे क्या मिलता। इस k को मैंने बना दिया k प्लस वन, इस k को मैंने बना दिया k प्लस वन, तो ये k प्लस वन प्लस वन यानी कि k प्लस टू बन गया। इस k को मैंने बनाया k प्लस वन, तो k प्लस वन प्लस टू जो कि k प्लस थ्री बन जाएगा। इस k प्लस थ्री मैं इस k को मैंने k प्लस वन बनाया, तो ये हो जाएगा k प्लस वन प्लस थ्री जो कि हो जाएगा k प्लस फोर, ठीक है अपॉन फोर। मुझे राइट हैंड साइड में एग्जैक्टली वही मिल रहा है, ठीक है ना। तो
हमने ये लेफ्ट हैंड साइड को ये लिखा और हम राइट हैंड साइड को क्या लिख लेंगे, राइट हैंड साइड हमारा के के प्लस वन, के प्लस टू, के प्लस थ्री, के प्लस फोर अपॉन फोर हो जाएगा. तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये इक्वल प्रूव हो जाएगा. दूसरा तरीका, इसको मैं इसी फॉर्मेट में, लाइक मुझे के के प्लस वन, के प्लस टू, के प्लस थ्री मिल रहा था, मुझे यहां पे हर चीज के प्लस वन के फॉर्म में लिखनी है. ठीक है, दो तरीके हैं, एक तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वेट कर दें, दूसरा तरीका मैं यहां पे हर चीज को के प्लस वन के फॉर्म में लिख लूं. तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये तो ऑलरेडी के प्लस वन है. अब देखिये यहां पर मैंने क्या किया था, इस के को मैंने बनाया के प्लस वन, इस k को मैंने बनाया k प्लस वन, उसके साथ प्लस वन आएगा. इस k को मैंने k प्लस वन बनाया तो ये k प्लस वन प्लस टू आएगा, सिमिलरली k प्लस वन प्लस थ्री आएगा. तो इस k प्लस वन को तो मैं ऐसे ही रहने देता हूं. इस k प्लस टू को हमने लिखा k प्लस वन प्लस वन, इसको हमने लिख लिया k प्लस वन प्लस टू, इसको हमने लिख लिया k प्लस वन प्लस थ्री. ठीक है ना, ये हमें एग्जैक्टली क्या मिल गया, के प्लस वन के फॉर्म में. तो हम यहां पे लिख सकते हैं पी के प्लस वन इज, ठीक है. तो यहां पे हमने क्या है, एक ही साइड से प्रूव किया है ना, एक ही साइड से हमने प्रूव किया है कि हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो के प्लस वन के फॉर्म में आ गया. बेसिकली पीएमआई ये कहता है कि देखो के था तो यहां पर के के प्लस वन, के प्लस टू, के प्लस थ्री था. अब मैंने p k प्लस वन किया तो मुझे k प्लस वन, k प्लस वन प्लस वन, k प्लस वन प्लस टू, उसी फॉर्मूले में हमने k को रिप्लेस किया, k प्लस वन प्लस थ्री अपॉन फोर मिलना चाहिए, जो कि मुझे मिल रहा है. तो ये p k प्लस वन ट्रू है. अब कई बार बच्चों को ये जो k प्लस वन के फॉर्म में कन्वर्ट करने में थोड़ी मुश्किल होती है, ऐसे में हम जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वेट करके कर सकते हैं, वो भी मैं आपको समझाता हूं. एक एग्जांपल और ले लेते हैं. एक एग्जांपल और देखते हैं. वन क्यूब, टू क्यूब, थ्री क्यूब अप टिल एन क्यूब इज एन, एन प्लस वन अपॉन टू होल स्क्वायर. आपको बोला है यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन. मतलब यहां पे n क्या है, एनी नेचुरल नंबर. यह है सम ऑफ फर्स्ट, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर. ठीक है, तो अब यहां पे देखिए p1 है ना, हमें अगेन वही तीन स्टेप करने हैं. p1 है ना, pk और pk प्लस वन. तो सबसे पहले मैंने लिखा pn इज दिस स्टेटमेंट. ठीक है ना, pn इज दिस स्टेटमेंट. अब सबसे पहले हम p1 चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हम देखेंगे वन का क्यूब, या फिर एन की जगह वन डाल दो, या तो लास्ट टर्म की जगह वन डाल दीजिए या फिर फर्स्ट टर्म सिर्फ ले लीजिए. ठीक है, कोई भी एक काम करना है, दोनों एक साथ नहीं करना है. तो हमने यहां पे क्या किया, वन क्यूब लिख लिया जो कि मुझे वन मिला. राइट हैंड साइड जो हमें फॉर्मूला मिला है एन, एन प्लस वन अपॉन टू होल स्क्वायर, हमें ये जो फॉर्मूला मिला है, इस फॉर्मूले में एन को हटा के मुझे वन करना है, एन को हटा के मुझे वन करना है, दैट्स इट. और मुझे देखना है मुझे क्या रिजल्ट मिलता है. तो ये हो गया वन, वन प्लस वन इज टू अपॉन टू होल स्क्वायर, टू एंड टू गेट्स कैंसिल, ये वन का स्क्वायर वन मिलेगा. तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल मिल रहा है. तो हम यहां पर लिख लेंगे पी वन इज true, really important, p1 is true. अच्छा, अब next step होगा हमारा pk assumption, है ना, step two is assumption.
स्टेप टू हम लिखेंगे लेट अस सपोज पी के बी ट्रू, लेट अस सपोज पी के बी ट्रू, है ना। यहां पे पी एन की जगह मैंने लिख लिया के वन क्यूब टू क्यूब थ्री क्यूब अप टिल एन क्यूब, है ना। अब एन को मैंने किससे रिप्लेस किया, एन को मैंने किससे रिप्लेस किया, के क्यूब के से, है ना। एन को मैंने के से रिप्लेस किया तो यहां एन क्यूब की जगह क्या बन जाएगा, के क्यूब, ठीक है। और इज इक्वल टू मुझे एन एन प्लस वन अपॉन टू मिला था, एन को मैंने रिप्लेस कर दिया के से, एन को मैंने रिप्लेस कर दिया के से प्लस वन होल स्क्वायर, ये मुझे मिल गया। अच्छा, अब ये हमने अज्यूम कर लिया, अजम्पशन। नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा पी के प्लस वन, ठीक है ना। मैंने आपको बताया इस पी के प्लस वन में भी हमारे पास एक अप्रोच है कि हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेंगे या एक साइड लेंगे और उसके बेसिस पे दूसरा साइड प्रूव करेंगे। दूसरा है मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वेट कर दूंगा। तो मैं आपको दोनों मेथड समझाता हूं। हम यहां पे क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो मैं लिखूंगा, पहले तो ये पूरा लिखूंगा वन क्यूब, कोई भी क्वेश्चन है आपको ये जो लेफ्ट हैंड साइड है पूरा का पूरा लिखना है, राइट। तो मैंने वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब प्लस 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 के क्यूब लिख दिया। बस पी के प्लस वन में लेफ्ट हैंड साइड में ये सारा लिखने के बाद बस एक चीज बढ़ेगी कि जो जो भी लास्ट टर्म है आप उसका नेक्स्ट टर्म यानी के प्लस वन बना के लिख लीजिए। जैसे यहां पे के क्यूब है तो मैंने के प्लस वन क्यूब लिखा, अगर यहां पे टू के माइनस वन स्क्वायर होता तो मैं नेक्स्ट क्या लिखता, 2k प्लस वन माइनस वन होल स्क्वायर, ठीक है ना। जो भी मुझे लास्ट टर्म मिलेगी मुझे सिर्फ उसमें एक उसके k में एक प्लस वन करना है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहां पे k स्क्वायर मिलता तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाता, k प्लस वन स्क्वायर, ठीक है। अगर यहां पे मुझे मिलता k अपॉन लेट्स से k अपॉन k प्लस वन, ठीक है ना। लास्ट टर्म अगर k अपॉन k प्लस वन होता तो नेक्स्ट टर्म क्या बन जाता, इस k को मैंने k प्लस वन बनाया, नीचे वाले k को मैंने k प्लस वन बनाया, एंड सो ऑन। मतलब ये जस्ट मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूं कि मुझे जो भी लास्ट टर्म मिलेगी उसके k को मुझे सिर्फ k प्लस वन बनाना है, ठीक है। इसके बाद मैंने वन से लेके k तक अज्यूम किया हुआ है, तो यहां पे मैं इस वन से लेके k तक, ठीक है ना, वन क्यूब टू क्यूब थ्री क्यूब अप टिल के क्यूब, तो ये वन से लेके जो के तक मेरे पास है ना ये समेशन है, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा इसके फॉर्मूले से। दैट मींस ये पूरा हट जाएगा और मुझे मिल जाएगा के के प्लस वन अपॉन टू होल स्क्वायर, ठीक है। दिस पार्ट इज डन, बीच में प्लस का साइन है। नेक्स्ट ये मिल गया। अब देखिए इसके आगे, इसको ऊपर से रब कर देता हूं, इसके आगे मुझे इसको सॉल्व नहीं करना है। देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे कुछ चीजें ध्यान रखनी है। लाइक अब मुझे मालूम है ए बी होल स्क्वायर को मैं ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर मल्टीप्लाई अगर बीच में है तो मैं ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, है ना, और अगर ए बी अपॉन सी होता तो मैं इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ऐसे लिख सकता था। तो मैं एग्जैक्टली यहां पे यही काम करूंगा, ये जो स्क्वायर है ये के पास मिलेगा,
ये स्क्वायर k प्लस वन को भी मिलेगा और ये स्क्वायर नीचे 2 को भी मिलेगा, बीच में प्लस का साइन। ये हमें मिल गया, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं k स्क्वायर k प्लस वन होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस k प्लस वन होल क्यूब। अब यहां पे देखने वाली बात है, इसको मैं अपॉन 1 लिख सकता हूं, k प्लस वन होल स्क्वायर, और यहां पे k प्लस वन होल स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, तो मैं इनको कॉमन ले लेता हूं, k प्लस वन होल स्क्वायर, ठीक है, कॉमन ले लिया। अब देखिए k प्लस वन होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, मेरे पास k स्क्वायर बचा, नीचे 4 बचा, बीच में प्लस का साइन। यहां पे k प्लस वन स्क्वायर, देखिए यहां पे 3 बार k प्लस वन है ना, k प्लस वन होल क्यूब यानी 3 बार k प्लस वन है, जिसमें से 2 तो मैं कॉमन ले चुका हूं, है ना, 2 k प्लस वन में कॉमन ले चुका हूं, क्या बचा, k प्लस वन बचा, ये मिल गया हमें, ठीक है। अब इसको मैं लिख सकता हूं k प्लस वन होल स्क्वायर 4, ये हो जाएगा k स्क्वायर, 4 इंटू k इज 4k प्लस 4 अपॉन 4, ठीक है। अब इसके बाद कई बार लोगों को यहां पे आके परेशानी हो जाती है, ठीक है, तो ये हमने क्या किया, अभी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया हुआ है, है ना, पी के प्लस वन में हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया हुआ है। आपके पास टेक्निक क्या है कि आप राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना, राइट हैंड साइड सॉल्व कीजिए और देखिए कि क्या वो इसके इक्वल आ रहा है। जैसे मैंने पी के क्या लिखा था, 1 क्यूब 2 क्यूब अप टिल n क्यूब इज n n प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर, n को हमने k से रिप्लेस किया तो ये हो गया k, ये हो गया k, ठीक है। अब अगर मैंने यहां पे एक और टर्म k प्लस वन इंट्रोड्यूस किया तो राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, ये जो k है ये k प्लस वन से चेंज हो जाना चाहिए। तो इसी जो p k प्लस वन वाला स्टेप है, ठीक है ना, इसी p k प्लस वन वाले स्टेप में मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, ठीक है। अब मैं लिखूंगा राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में मैं क्या करूंगा, जो ये फॉर्मूला मुझे मिला हुआ राइट हैंड साइड में, पी के वाले स्टेप में हम जाएंगे और उसका जो राइट हैंड साइड वाला फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में के को मुझे रिप्लेस करना है के प्लस वन से, के को मुझे रिप्लेस करना है के प्लस वन से, तो के प्लस वन और एक प्लस वन अपॉन 2, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्योंकि ये होल स्क्वायर है, मैं इस स्क्वायर को इसको 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 सबको दे सकता हूं, ये k प्लस वन प्लस वन के बजाय k प्लस टू लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा k प्लस वन होल स्क्वायर k प्लस टू होल स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। अब देखिए ये जो नीचे 2 स्क्वायर है इसको मैं 4 लिख सकता हूं, मुझे अब इसको सॉल्व करते करते टैली करना है क्या ये इसके जैसा बन रहा है, तो देखिए k प्लस वन स्क्वायर तो मिल गया, 4 हमें मिल गया, ये नहीं मिला ऊपर वाला टर्म, तो मैं क्या करूंगा इस k प्लस टू को एक्सपेंड कर दूंगा, मुझे मालूम है a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, 2 इंटू 2 इज 4, तो ये हो जाएगा 4k एंड 2 का स्क्वायर होता है 4, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे, हम लिख लेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर पी के प्लस 1 इज ट्रू, ठीक है। एक तो ये अप्रोच है हमारी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हम क्या करेंगे, हाँ इक्वल, एक दूसरे के इक्वल करेंगे। दूसरा तरीका कि हम इस लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करें, ठीक है ना, तो कभी कभी ये तो इजी हो जाएगा, अगर मुश्किल हो तो हम एक अप्रोच ये भी ले सकते हैं।
आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड को ही मुझे क्या करना है, राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है। तो इसके लिए मुझे पता कैसे चले कि इसको करना क्या है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि रफ कॉलम एक बनाऊंगा और जो पी के वाला स्टेप है इसमें के को मैंने रिप्लेस कर दिया के प्लस वन से, और मुझे देखना है कि बनता क्या है। के प्लस वन बनता है, ये के प्लस वन बनता है अपॉन टू होल स्क्वायर, ये बन रहा है। दैट मींस मुझे अब इसको इस फॉर्म में लाना है, ठीक है ना। हमने क्या किया, रफ कॉलम मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, हमने एक रफ कॉलम साइड में बना के k को रिप्लेस किया k प्लस वन से, k को रिप्लेस किया k प्लस वन से, नीचे टू लिख लिया, होल स्क्वायर लिख लिया, राइट अब मुझे इस लेफ्ट हैंड साइड को उस राइट हैंड साइड के फॉर्म में लाना है ना, मतलब इसको मुझे k प्लस वन के फॉर्म में लाना है। तो उसकी अप्रोच क्या होगी, देखिए एक तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल कर लें, वो तो इजी है, और दूसरा ये मेथड है कि मैं इसी लेफ्ट हैंड साइड को ही k प्लस वन के फॉर्म में, क्योंकि जो हमारे टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें एक ही साइड को सॉल्व करके k प्लस वन के फॉर्म में लाते हैं, है ना। तो ये जो दूसरी अप्रोच है ये हमें समझने में करने में इजी है, लेकिन हाँ इनकेस अगर आपको एक ही साइड से प्रूव करना है तो हम देखेंगे। अब देखिए मुझे इस इक्वेशन को, ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को मुझे इस फॉर्म में लाना है। अब देखिए यहां पे k प्लस वन ऑलरेडी है तो उसको तो मैं एज इट इज लिख लूंगा, होल स्क्वायर लिख लूंगा, नीचे टू चाहिए था लेकिन यहां फोर है, तो मैं एक काम करता हूं इसको टू स्क्वायर लिख लेता हूं, ये k स्क्वायर प्लस फोर के प्लस फोर, ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ा हुआ है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस फोर के बन जाएगा टू के प्लस टू के प्लस फोर, ये हो जाएगा के प्लस वन होल स्क्वायर, ये हो जाएगा के के प्लस टू के प्लस टू एंड अगेन टू, ये मिल गया। ये हो जाएगा k प्लस वन होल स्क्वायर, k प्लस टू है ना, k प्लस टू कॉमन आ गया और एक k प्लस टू मेरे पास बच गया, नीचे टू का स्क्वायर। इस k प्लस टू को दो बार लिखने के बजाय होल स्क्वायर कर लेते हैं। अब देखिए यहां भी स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर, तो मैं सबके स्क्वायर्स को क्या करूंगा, कॉमन ले लूंगा, ठीक है। उस फॉर्म में आ गया, अभी भी नहीं आया, यहां पे k प्लस टू है जबकि मुझे k प्लस वन चाहिए, तो मैं इस टू को क्या करूंगा, वन प्लस वन लिख लूंगा, राइट ये हो गया हमारा रिजल्ट। तो इसके बाद हम लिख सकते हैं देयरफॉर पी के प्लस वन इज ट्रू। तो ये हमारी अप्रोच है। तो जब भी अगर आप करना चाहते हैं कि मैं एक ही साइड से प्रूव करूं, तो प्रूव करने के लिए बस इतना करना कि पी के में जो राइट हैंड साइड है उसको के प्लस वन करके देखिए क्या बन रहा है। तो आप उसको देखते देखते अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। या फिर उससे भी इजी करना है तो आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके रख लो, राइट हैंड साइड को सॉल्व करके रख लो, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये क्लियर है, और एग्जाम्पल हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए आपको बोला यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट 1 × 3 प्लस 2 × 3 स्क्वायर प्लस 3 × 3 क्यूब प्लस अप टिल n × 3 पावर n इज इक्वल टू, ठीक है। ये भी उसी टाइप वन क्वेश्चन में आएगा,
2n माइनस 1, 3 पावर n प्लस 1, प्लस 3 होल अपॉन 4, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n. ये क्वेश्चन है, ठीक है ना. तो ये जो टाइप वन क्वेश्चन है बेसिकली है क्या, टाइप वन क्वेश्चन बेसिकली आपको ऐसे कुछ सीरीज मिलेंगी, ठीक है ना, कुछ सीरीज मिलेंगी जिसमें आपको क्या करना है, प्रूव करना है कि इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है, इज इक्वल टू सम फॉर्मूला. अब ये क्वेश्चन देखिए, पीछे जो क्वेश्चन था उसमें हमने दो अप्रोच समझे थे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, और एक लेफ्ट हैंड साइड से ही, एक ही साइड से ही हम दूसरा साइड लेके आते हैं. अब इसमें हम देखते हैं, क्योंकि वहां पे तो इजी था, यहां पे थोड़ा टिपिकल हो रहा है. तो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं. सबसे पहले मैंने इसको पी एन ले लिया, पी एन इज द स्टेटमेंट. पी वन हम चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड मुझे कितना मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड मुझे 1 इंटू 3 3 मिल रहा है. राइट हैंड साइड मुझे कितना मिल रहा है, हम यहां पे n की जगह 1 डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 3 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4. जहां जहां n है मैंने सिर्फ 1 को डाला है. 2 इंटू 1 माइनस 1 है ना, 2 इंटू 1 इज 2 माइनस 1. अच्छा, 2 इंटू 1 बॉड मास का रूल कहता है मल्टीप्लाई पहले होगा सब्ट्रैक्ट बाद में होगा, इसलिए 2 इंटू 1 में मैंने मल्टीप्लाई पहले किया, माइनस बाद में करूंगा, नहीं तो 1 माइनस 1 जीरो करके फिर इंटू 2 गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है. तो 2 माइनस 1 3 पावर 1 प्लस 1 दैट इज 2 प्लस 3 अपॉन 4. 2 माइनस 1 इज 1, तो ये 1 मिल गया. 1 इंटू एनीथिंग इज इटसेल्फ, तो बेसिकली मेरे पास 3 स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 4 मिल रहा है. 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 3 अपॉन 4 विच इज 12 अपॉन 4 एंड दैट इज 3. मुझे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एग्जैक्टली इक्वल मिल रहे हैं, देयरफॉर पी वन इज ट्रू. मैं लिखूंगा पी वन इज ट्रू. अब आगे देखिए, अजम्पशन स्टेप 2. स्टेप 2 हम लिखेंगे, लेट अस सपोज, या फिर लेट पी के बी ट्रू, है ना, दैट इज पी के हम इसको लिख लेंगे. ये हो जाएगा के इंटू 3 की पावर के, एन को हम रिप्लेस कर देंगे के से, ठीक है. आपको यहां पे सिर्फ एन को के से रिप्लेस करना है और कुछ नहीं करना है. और इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला था 2n माइनस 1 3 की पावर n प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4, यही था. ठीक है, तो हम यहां पे सिर्फ n को रिप्लेस कर देंगे के से, ठीक है. हमने अज्यूम कर लिया कि पी के इज ट्रू, मैंने अज्यूम कर लिया ये ट्रू है. अब नेक्स्ट स्टेप हमारा पी के प्लस 1. अब देखिए, मैंने दो अप्रोच बताई थी, एक तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड. मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लूं, है ना, जहां तक सॉल्व हो सकता है, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लूं, दोनों आमने सामने इक्वल लिख देंगे. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो हम लिखेंगे पी के प्लस 1 इज ट्रू. दूसरा, हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर करके उसको के प्लस 1 के फॉर्म में लाएंगे, ठीक है. तो यहां पे सबसे पहले तो ये जो पूरा के तक मुझे लिखना है लेफ्ट हैंड साइड, तो 1 3 2 3 स्क्वायर 3 क्यूब k 3 की पावर k.
अब मुझे क्या करना है, मैंने ये पूरा कॉपी कर लिया, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा मैंने यहाँ पे सिर्फ इस के को रिप्लेस कर दिया के प्लस वन से, के को रिप्लेस किया के प्लस वन से, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, थ्री एज इट इज, के को रिप्लेस किया के प्लस वन से, ठीक है, ये स्टेप समझ में आ गया, ठीक है ना। तो देखिए k इंटू थ्री की पावर k तक तो हमने लिखा ही है, ये पूरा का पूरा क्या है, जो ऊपर वाला स्टेटमेंट था वो एज इट इज नीचे आ गया, सिर्फ अगर कोई चीज ऐड हुई है तो ये k प्लस वन। अब यहां तक तो हमने अज्यूम किया है इट इज ट्रू, है ना। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप में मैं इस पूरे को रिप्लेस करके वो फॉर्मूला, एंड दैट इज टू के माइनस वन इंटू थ्री की पावर के प्लस वन प्लस थ्री अपॉन फोर लिख लूंगा, बाकी इसको मैं एज इट इज कॉपी कर लूंगा, ये जो के प्लस वन वाला स्टेट पोर्शन है इसको मैं एज इट इज कॉपी कर लूंगा, यहां पे मैं लिख दूंगा सिंस पी के इज ट्रू, ठीक है ना। रीजनिंग हमें देना होता है, हमने ये फॉर्मूला कहां से लाया, तो हम लिख देंगे सिंस पी के इज ट्रू। इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें अपॉन वन अगर हम लिखते हैं तो देखने वाली बात है, ये फोर इधर मल्टीप्लाई होगा, ये वन इधर मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ही करते हैं ना, ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी। तो हम क्या करते हैं, ए और डी को क्रॉस करते हैं ए डी, बीच में प्लस का साइन, सी और बी को क्रॉस करते हैं बी सी, और नीचे ये दोनों जो नंबर है इनको आमने सामने मल्टीप्लाई करते हैं, यही मेथड होता है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, एग्जैक्टली वही काम करेंगे, हमने यहां पे लिखा फोर वन इसमें मल्टीप्लाई होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टू के माइनस वन थ्री के प्लस वन प्लस थ्री एज इट इज, ठीक है, ये पूरा मैंने यहां पे कॉपी कर लिया, बीच में है प्लस का साइन, और फोर इंटू दिस होल थिंग ये हो जाएगा फोर टाइम्स के प्लस वन इंटू थ्री पावर के प्लस वन, इतना हो गया। नेक्स्ट स्टेप मुझे देखना है कि इसमें क्या किया जा सकता है, क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, थ्री पावर के प्लस वन कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। देखिए इसको मैं रीअरेंज करता हूं, इसमें थ्री के प्लस वन है, इसमें थ्री के प्लस वन है, तो मैं इनको कॉमन ले लेता हूं, ये हो जाएगा टू के माइनस वन थ्री के प्लस वन, ये वाले टर्म को मैंने लिख दिया, इस प्लस थ्री को हम बाद में लिखेंगे, पहले मैं इसको लिख लेता हूं फोर के प्लस वन थ्री के प्लस वन, ठीक है, मैंने जो लाइक टर्म्स है जिसमें सेम क्वांटिटी कहीं भी मुझे अगर मिल रही है, जैसे यहां थ्री की पावर के प्लस वन, वहां भी थ्री की पावर के प्लस वन एक जैसा मिल रहा है, तो मैंने इनको साथ में रख लिया। अब बीच में बच गया ये थ्री, इसको हम सबसे लास्ट में लिख लेते हैं, और दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाय फोर, ये हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए ये जो दो टर्म्स हैं यहां पे, इसमें थ्री की पावर के प्लस वन कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, थ्री की पावर के प्लस वन कॉमन ले लेता हूं, मैंने थ्री पावर के प्लस वन कॉमन ले लिया, एक ब्रैकेट लिखते हैं, अच्छा इसको मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा, टू के माइनस वन, ठीक है ना। अच्छा बीच में प्लस का साइन, प्लस लिख लेते हैं, मैंने थ्री पावर के प्लस वन को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा मेरे पास, फोर के प्लस वन, इतना समझ में आ गया। एग्जाम में ऐसे हमें काटना नहीं है, ये मैं सिर्फ आपके समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। प्लस थ्री, दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाय फोर, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा थ्री के प्लस वन टू के माइनस वन फोर के
प्लस फोर प्लस थ्री, दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाय फोर. इतना समझ में आ गया? दिस बिकम्स थ्री पावर के प्लस वन टू के. अब देखिए टू के और फोर के, यहां पे भी प्लस यहां पे भी प्लस, टू प्लस फोर इज सिक्स के हो गया. दिस इज फोर एंड दिस इज माइनस वन, तो फोर माइनस वन इज प्लस थ्री. ठीक है, प्लस थ्री अपॉन फोर. इतना समझ में आ गया? राइट. अब आगे देखते हैं. क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया? देखिए यहां पे थ्री कॉमन लिया जा सकता है, तो मैं फर्दर लिखूंगा थ्री पावर के प्लस वन. थ्री हमने यहां पे कॉमन लिया, ये हो जाएगा टू के प्लस वन, है ना. थ्री मैंने यहां पे कॉमन लिया, दोनों में थ्री कॉमन आ रहा है, तो थ्री टू ज सिक्स, तो टू के यहां बच गया, थ्री वन जो थ्री, यहां पे वन बच गया, ऐसे ही करेंगे ना. नीचे आ गया फोर. अब देखिए ये ब्रैकेट अगर मैं हटा दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें क्या हो रही है, आपस में मल्टीप्लाई. ये थ्री की पावर के प्लस वन है और ये थ्री आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. इस थ्री के पावर में कुछ नहीं है तो हम वन लिख सकते हैं. तो देखिए थ्री पावर के प्लस वन है और थ्री की पावर वन है, जिसको मैं लिख सकता हूं थ्री की पावर के प्लस वन प्लस वन, क्योंकि मुझे मालूम है ए पावर एम मल्टीप्लाई ए पावर एन होता है ए पावर एम प्लस एन. तो हम यहां पे क्या करेंगे, दोनों की पावर्स को ऐड कर देंगे, थ्री की पावर के प्लस वन प्लस वन, यानी थ्री की पावर के प्लस टू. बच गया मेरे पास टू के प्लस वन प्लस थ्री अपॉन फोर, ये मेरे पास बच गया. अब मुझे करना क्या है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर वन डाल दिया. अब मैं, है ना, मैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला अप्रोच बता रहा हूं, इसको हम ऐसे ही छोड़ के अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, तो मैं राइट हैंड साइड में क्या करूंगा, ये जो मुझे फॉर्मूला मिला था पी के में, है ना, पी के जो मैंने अज्यूम किया था, यहां पर सिर्फ मुझे के को रिप्लेस करना है के प्लस वन से. मैंने सिर्फ इस, देखिए टू के माइनस वन था, टू के माइनस वन था, ठीक है, टू के माइनस वन था, तो मैंने इस के को के प्लस वन बना दिया. ब्रैकेट लिखना है क्योंकि एक से ज्यादा है, ठीक है ना, तो ये बाहर हमने ब्रैकेट लगा लिया. थ्री की पावर के प्लस वन ऑलरेडी है, लेकिन मुझे इस के को के प्लस वन बनाना, और एक वन पहले से ही है, बाकी जो भी है एज इट इज लिख देते हैं. ये हो जाएगा टू के प्लस टू प्लस वन, थ्री की पावर के प्लस टू प्लस थ्री अपॉन फोर. ये बन जाएगा हमारा टू के, टू प्लस वन, सॉरी ये माइनस वन था, तो ये हो जाएगा टू के प्लस वन, थ्री की पावर के प्लस टू प्लस थ्री अपॉन फोर. अब मुझे देखना है क्या मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैच कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं, है ना. थ्री की पावर के प्लस टू, वहां पे भी थ्री की पावर के प्लस टू, टू के प्लस वन, टू के प्लस वन, प्लस थ्री प्लस थ्री अपॉन फोर अपॉन फोर. तो हम लिख लेंगे, इसको हमने इक्वेशन नंबर टू डाल दिया, हम लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द स्टेटमेंट पी के प्लस वन इज ट्रू, है ना. ये हम लिख सकते हैं. तो एक तो मेरी ये अप्रोच हुई कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट करके इक्वल कर लिया. दूसरा, मुझे इसी को पी के प्लस वन बनाना है, ठीक है. तो अब वो बनाने का भी तरीका आप देख लीजिए, है ना, बहुत सिंपल है, क्योंकि बुक्स में जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाले अप्रोच जनरली नहीं दिए हैं. बुक्स में हमें एक साइड से ही प्रूव करना होता है, तो एक साइड से प्रूव करके दिखाया हुआ है. तो हम यहां पे क्या करेंगे कि ये रिजल्ट मुझे मिला, मैं इसको इक्वेशन नंबर वन नहीं डालूंगा. ये हमने एक मेथड देखा इस क्वेश्चन को प्रूव करने का.
दूसरा मेथड जहां पे मैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड यूज नहीं कर रहा हूं, मैंने लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व किया और मुझे इतना मिला, लेकिन मुझे लाना क्या है, हाँ, यहां पे इस k को जब मैं k प्लस वन बनाता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 2k प्लस वन माइनस वन, 3 पावर k प्लस वन प्लस वन प्लस 3 अपॉन 4, ये मुझे मिलता है, राइट, ये मुझे मिलता है, ठीक है, और इसी को मैंने सॉल्व करके ये निकाला, ठीक है। अब देखिए तरीका क्या है, अगर आपको कहा गया है कि आप एक ही साइड से प्रूव करो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड को मैंने यहां तक सॉल्व कर लिया, ये जो हमने राइट हैंड साइड वाला सॉल्यूशन किया था इसको मैं रफ कॉलम में कर लूंगा, ठीक है, बात समझ में आई, रफ कॉलम में कर लूंगा, ये मैंने रफ कॉलम में कर लिया। अब इसी के स्टेप्स मुझे रिवर्स ऑर्डर में यहां लिखते जाने हैं, क्यों, देखिए ये लास्ट स्टेप है ना, यहां तक मैंने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया था और ये दोनों मैच कर रहे हैं, इसका प्रीवियस स्टेप क्या है, ये है, तो मैं इसको क्या करूंगा, वैसे लिखूंगा, इसको मैं लिख लूंगा 2k प्लस 2 माइनस 1, ऐसे लिख लेता हूं, इस 2k प्लस 1 को मैं प्रीवियस स्टेप 2k प्लस 2 माइनस 1, 3k प्लस 2 को मैं अभी एज इट इज रहने देता हूं, प्लस 3 लिख लेता हूं अपॉन 4 लिख लेता हूं, प्रीवियस स्टेप लिख लिया, उसका प्रीवियस स्टेप 2k प्लस 1 माइनस 1 था, देखिए वैसे भी अगर हम लॉजिकली सोचें यहां पे अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं तो 2k प्लस 1 मिलेगा, माइनस 1 मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा 3 पावर k प्लस 1 प्लस 1, k प्लस 2 है, इसको ऑब्वियसली मैं k प्लस 1 प्लस 1 लिख लेता हूं अपॉन 4 लिख लेता हूं, एग्जैक्टली मुझे यही रिजल्ट चाहिए था। तो दोनों अप्रोच है आपके सामने, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कर सकते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड, लेकिन अगर आपको बोला गया है नहीं एक ही साइड से करो तो आप जहां तक सॉल्व हो रहा है सॉल्व कीजिए, राइट हैंड साइड को सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन रफ कॉलम में लिख के उसके स्टेप्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखते जाइए, है ना, क्योंकि यहां पे जहां पे मैंने स्टॉप किया वो सबसे लास्ट में यहां मिला, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते जाइए, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे करने हैं।